जिला प्रधान संघ के उपाध्यक्ष गीता देवी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नगर निगम में कार्यरत उनके पति मेवालाल के ऊपर अलहदादपुर के पार्षद आनंद वर्धन ने बीते दिन एक मामले को लेकर जान से मारने की धमकी देते हुए रिवॉल्वर तान दी थी। उन्होंने बताया कि इसकी रिपोर्ट उन्होंने थाने में दर्ज करा दी है, लेकिन महापौर और पार्षद सुलह कराने का दबाव उनके पति पर बना रहे हैं। आप लोग को पता है ये मामला 8 दिन से चल रहा है, लेकिन बुलाएं यहाँ जो है मेयर है, मेयर बुलाएं कि आइए प्रधान जी समझौता कर लीजिए, और यह गए जाने के बाद वहाँ के सब लोग धमकी देने देना शुरू कर दिए, कहें कि सुलह समझौता कर लो नहीं तो तुमको इतना मारेंगे तुम्हारे घर वाले पता ही नहीं पाएंगे, और जान से मारने की धमकी देने लगे तो हमारे पति वहाँ से चले आए। और यहाँ FIR हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर हमारे पति को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार आनंद वर्धन होंगे और शासन प्रशासन होगा, इसीलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपके पति को कब धमकी दी गई, कहाँ धमकी दी? धमकी यहीं पे दिए, नगर निगम में। क्या मेयर साहब वहाँ मौजूद? हाँ, मेयर साहब के, जैसे मेयर साहब के रूम में 35 लोग आए समझौता करने के लिए, इधर से 3 लोग गए और वहाँ धमकी देने लगे और चिल्ला चिल्ला के गाड़ी देने लगे। धमकी देने वाले? हाँ, धमकी देने वाले और गाड़ी देने। 35 लोग वहाँ सभासद थे, 35 सभासद थे, एक दो नहीं थे। उसके बाद वहाँ से हमारे पति चले आए। किस बात को लेकर सभासद थे और आपके पति में? कुछ बात नहीं था। आए और कहने लगे कि ये हमको राबिश दे दीजिए, तो प्रधान जी कहें कि देखिए राबिश नहीं है, गिट्टी लद रहा है आपके वहाँ जा रहा है। कहें तो किसका नाम मेवालाल है और वो बहुत बड़ा नेता बनता है, तो कहना कि नेताजी हम कौन नेता बनाता थी, हम तो कर्मचारी हैं तो हम नेता कहाँ से बन पाएंगे। कहें नहीं हम सुनते हैं तुम बहुत नेता बन रहे हो। ओकर बाद प्रधान जी कहना कहाँ हम नेता बना, तो मनोयोग तनिक तेज आ गई ना। ओकर बाद तुरंत रिवाल्वर निकाल के सीनम लगा देता था, कहना मार देंगे। वही आनंद वर्धन रिवाल्वर लगा के कहें मार देंगे।